बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नंबर टू एंड नंबर थ्री काइंड पढ़ेंगे। नंबर वन काइंड मैंने अगली वीडियो में पढ़ाया था, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है और इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जी तो रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो क्यू है यानी ये जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, 3/2, क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है? नहीं है, इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। ये बात चल रही है रेशनल एक्सप्रेशन की। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, किसका पार्ट होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, लेटर यूज़ होते हैं, ठीक है, तो हम इसे रेशनल नंबर्स कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/y, क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है? जी बिल्कुल है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें जो है लेटर यूज़ हो रहा है, तो हम इसे रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/6, तो इस फॉर्म में फ्रैक्शन लिखी जाती है, तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो एक बात दूसरी, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x-1/3, क्या ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है? तो हम कहेंगे नहीं, ये रेशनल फ्रैक्शन रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन में ये जो नीचे नंबर होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर होता है, वो लेटर होता है। यहाँ पे ये नंबर है, जब नंबर आएगा फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन में तो वो हम रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, उसे हम पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, ये याद रखें। तो अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दिया कि रेशनल नंबर है, और उसके बाद बात आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो और इज़ कॉल्ड एन इरेशनल एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में न लिख सकें। इसकी डेफिनेशन दी रेशनल नंबर की, के जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, और इसकी डेफिनेशन है जो कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकें। जैसा कि एग्जांपल नंबर मैं दे रहा हूँ अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इनफाइनेट होगा, ये स्क्वायर रूट आप निकालें कैलकुलेटर से तो ये इनफाइनेट इसका आंसर आएगा, यानी ये जो है लिमिट में नहीं आएगा, ये इसको लिमिट नहीं होगी, तो हम क्या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? और अब बात करेंगे एक्सप्रेशन की। ये तो था इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर था, अब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब रूट एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी बात इरेशनल जो एक्सप्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब के वो आज़ाद नहीं होगा, उसके ऊपर अंडर रूट की साइन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्यूब रूट की साइन है, मतलब कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो हम इसे कैसे हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये क्यूब रूट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इस पर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें x माइनस वाई का, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 1/3, यहाँ पे 1/3, क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। जब ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये कन्फर्म नहीं हुआ, मतलब कि ये इसका कोई एंड नहीं हुआ, तो हम कैसे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे? तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे फर्दर वीडियोस देखने के लिए अगली हम वीडियो बनाएंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज पे।
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम वेरीफाई करेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और वो कैसे वेरीफाई होती हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे उसे वेरीफाई करेंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज को। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।